मुहर्रम के मद्देनजर पुलिस क्षेत्राधिकारी चांदपुर ने बुलाई शांति समिति की बैठक। बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारी चांदपुर ने सभी वर्गों से मुहर्रम का त्यौहार शांतिपूर्वक मनाने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि मुहर्रम की व्यवस्था को देखते हुए बिजली विभाग को तारों की समस्या से सूचित करा दिया गया है। साथ ही सड़क के चारों ओर खड़े पेड़ों की टहनियों को भी दुरुस्त करने की हिदायत दी गई है। बैठक में चेयरपर्सन पति हाजी इलियास उपस्थित रहे। न्यूज फ्रीडम के लिए चांदपुर से सलीम हाशमी की रिपोर्ट। आज थाने में हमारे मुहर्रम के त्यौहार को लेकर बैठक की गई है। जहाँ जहाँ ताजिए निकलते हैं, जिस जिस ग्रामीण क्षेत्र में सभी ताजिएदारों को बुलाया गया था, इनकी क्या क्या समस्याएं हैं, किस किस प्रकार से रूट है, जो परंपरागत रूट है उसी का अनुपालन करेंगे, ये इनको हिदायत दी गई है। कोई नई परंपरा के अनुसार कोई भी कार्य नहीं होगा और इनके जो जुलूस हैं उनमें पर्याप्त पुलिस व्यवस्था रखी जाएगी। हमारे 13 गांव हैं थाना चांदपुर में, जिनमें ताजिएदारों का कार्यक्रम रहता है। ये कार्यक्रम 18 तारीख से लेकर 21 तारीख तक होगा। 21 तारीख को लास्ट है जिस दिन ताजिए का कार्यक्रम होगा। पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। नगर पालिका से भी बता दिया गया है, जहाँ जहाँ सफाई व्यवस्था की ज़रूरत है वहाँ आवश्यक सफाई व्यवस्था कर दें, चूना इत्यादि हटा दें। तार की अगर कहीं समस्या है, तार हटाने की बिजली वालों को बता दिया गया है कि तार भी हटा दें। और जहाँ टहनी कटनी है, जहाँ टहनी छटनी है, अगर ताजिएदारों किसी की ताजिए की ऊंचाई ज़्यादा है तो उनको भी बता दिया।